आज की बड़ी अपडेट्स की बात करें तो पीएम मोदी के प्लेन को पोलैंड ने यूक्रेन जाने से पहले ही रोक दिया है, तो वहीं मलेशिया ने भारत को ये कह दिया है कि ब्रिटेन ना करे ना सही, हम तैयार हैं। तो वहीं भारत को A+ मिल चुका है, तो दूसरी तरफ अमेरिका A- में जा चुका है, जिससे पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। तो वहीं वियतनाम और इटली ने चीन से भारत का बदला ले लिया है। वहीं पहली अपडेट की बात करें तो ये पीएम मोदी के हालिया पोलैंड दौरे से जुड़ी हुई है, जहां पोलैंड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लेन को रोक कर रख दिया है। दरअसल पोलैंड का दौरा खत्म करके पीएम मोदी यूक्रेन के लिए रवाना होने वाले थे कि पोलैंड ने पीएम मोदी के प्लेन को रोक दिया है और उन्हें अब 20 घंटे की यात्रा करके ट्रेन से यूक्रेन जाना होगा, क्योंकि 23 अगस्त को यानी कि कल पीएम मोदी का आधे दिन का यूक्रेन दौरा शुरू होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों पीएम मोदी पोलैंड से यूक्रेन का सफर ट्रेन से करने वाले हैं, और इस लंबी ट्रेन यात्रा के पीछे का कारण है रूस यूक्रेन युद्ध। इसी के चलते यूक्रेन के सभी हवाई अड्डे बंद हैं, इसलिए ट्रेन से यात्रा करना एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। और जिस ट्रेन से पीएम मोदी सफर करेंगे वो वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस ट्रेन है, जिसका नाम फोर्स वन है। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रॉन और जर्मनी चांसलर ओलाफ भी ट्रेन से यात्रा कर चुके हैं। वहीं यूक्रेन की बात करें तो उससे पहले अगर पोलैंड पर ध्यान दिया जाए तो वो एक नेटो सदस्य देश है, जहां भारत का कोई प्रधानमंत्री पिछले 4 दशकों बाद गया है। वहीं जिस तरह यूक्रेन की हालत है उससे सीख लेते हुए पोलैंड अमेरिका से हटकर एक ऐसा सहयोगी देश चाहता है जहां उसको सब हासिल हो सके जो उसकी जरूरतें पूरी करता हो, और भारत उसके लिए बेस्ट ऑप्शन बनकर सामने आया है। यही वजह है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने गुरुवार को कहा है कि पोलैंड भारत के साथ डिफेंस इंडस्ट्री में अपने सहयोग को गहरा करना चाहता है। मतलब दोनों देश डिफेंस को लेकर अमेरिका और रूस से निर्भरता को कम करने पर विचार कर रहे हैं। मतलब किसी एक देश पर निर्भर रहना उस देश को कमजोर करने का काम करता है, और ये बात भारत अच्छे से समझ चुका है। यही नहीं, पोलैंड भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी कि NSG और भारत को UN परमानेंट सीट के लिए पहले ही अपनी हामी भर चुका है। मतलब यहां भारत का किसी देश में जाना और वहां अपने टाइस को मजबूत करना भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। यही वजह है कि भारत यूक्रेन में 20 घंटों की यात्रा के बाद कीव में मौजूद होगा, और अगर यूक्रेन में भारत की यात्रा सफल रहती है तो आपको आने वाले समय में यूक्रेन भी भारत के लिए UN की परमानेंट सीट के लिए वोट करता नजर आएगा, और भारत ये चाहता भी है क्योंकि यूक्रेन का यूरोप से अच्छा कनेक्शन है। वहीं अगर भारत ऐसा कर लेता है तो ये भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी, क्योंकि तब भारत एक साथ रूस और यूक्रेन से UN की परमानेंट सीट के लिए वोट हासिल कर चुका होगा, और पीएम मोदी का यूक्रेन जाना इन्हीं सबसे जुड़ा हुआ है। यही नहीं, इस समय भारत की रणनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी दिलचस्प है, क्योंकि हाल में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका में बड़ी बड़ी डिफेंस डील साइन करने गए हैं, जबकि पीएम मोदी यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। दोनों काम दिखाते हैं कि भारत एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत चाहता है कि वेस्ट के साथ उसके संबंध मजबूत रहें। यही नहीं, भारत को यूक्रेन से युद्धपोत और प्रोपल्शन सिस्टम भी चाहिए। वहीं वो अमेरिका के साथ भी एक बड़ी डील करने में लगा है, और यहाँ पीएम मोदी पोलैंड और यूक्रेन में बड़ा चक्रव्यूह बुनने में लगे हैं, जिससे वो वेस्ट को ये दिखाना चाहते हैं कि वो संतुलन बना सकते हैं और क्षेत्र को अस्थिर नहीं होने देंगे। यहाँ भारत ना ही अमेरिका के कहने पर और ना ही वेस्ट के कहने पर काम कर रहा है, भारत सिर्फ अपने इंटरेस्ट देख रहा है। और अगर ये बात अमेरिका समझ पा रहा है तो ठीक है, वरना भारत अपना खेल पहले ही खेल चुका है। वैसे आपको भारत की इस दोहरी रणनीति के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये मलेशिया से जुड़ी हुई है, जो भारत के लिए सब कुछ करने को तैयार बैठा है। बता दें कि 2018 के बाद ये पहला मौका था जब मलेशिया के किसी प्रधानमंत्री ने अपने पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत का दौरा किया है, और इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना है। वहीं मलेशिया भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत करने का इच्छुक दिख रहा है, जहां ब्रिटेन से भारत के साथ बस टेबल पर बातचीतें चालू है। मलेशिया इन सब में 2 कदम आगे दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि दोनों देश अपने अपने व्यापार को बिना किसी अतिरिक्त टैक्स या बाधा के आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब ये कि सीधे सीधे मलेशिया डॉलर को गिराने का एक रोड मैप भारत के सामने रख चुका है। और यही नहीं, भारत और मलेशिया के बीच रिश्ते व्यापार तक सीमित नहीं है। मलेशिया की भौगोलिक स्थिति खासकर साउथ चाइना सी में इसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान बनाती है, और हाल ही में फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस की मिसाइलें खरीदी हैं, और मलेशिया भी भारत से इसी तरह के हथियार खरीदने में रुचि दिखा रहा है। बता दें कि चीन ने मलेशिया के कुछ जमीनों पर दावा किया है, जिसकी वजह से मलेशिया चीन से दूरी बना रहा है। वहीं मलेशिया के नए प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम चीन के साथ रिश्तों को लेकर थोड़ा सख्त रुख अपना चुके हैं। वहीं भारत मलेशिया को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, और यही वजह है कि मलेशिया ने भारत को अमेरिका के बजाय चुनना सही समझा। इसका एक बड़ा कारण है डॉलर से दूर रहना,
यही वजह है कि ये भारत के यूपीआई और मलेशिया के यूपीआई यानी कि पे नेट को जोड़ने की तैयारी है। और ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होंगे और लोगों के लिए यात्रा करना और व्यापार करना आसान हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि अमेरिका उन देशों को पसंद नहीं करता है जो डॉलर से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होने से अमेरिका को नीचे गिरने से कोई नहीं बचा सकेगा। यही वजह है कि भारत को जो करना होगा सोच समझकर करना होगा और एक धारदार रणनीति बनानी होगी। वैसे आपको क्या लगता है, मलेशिया का भारत से इतनी नजदीकियां बढ़ाना भारत के लिए शुभ संकेत है या भारत को दो बार सोचने की जरूरत है? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भारत की एक बड़ी जीत से जुड़ी हुई है जिसमें भारत ने अमेरिका को माइनस में पहुंचा दिया है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने लगातार दूसरे साल वैश्विक स्तर पर टॉप सेंट्रल बैंकर ग्लोबली का दर्जा दिया गया है और ये कोई साधारण बात नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं 2020 में जब महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया तो बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई और इन देशों में महंगाई बढ़ गई और लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। लेकिन भारत ने इस मुश्किल समय में अपनी अर्थव्यवस्था को काफी हद तक बचाए रखा। भारत सरकार ने कुछ खास कदम उठाए जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में रही। यही नहीं, महामारी निपटी थी कि रूस यूक्रेन शुरू हो गए, दुनिया भर में तेल और दूसरी चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ने लगे और ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन भारत ने इस मुश्किल समय में भी अपनी स्थिति को मजबूत रखा। हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका में तो चीजें बहुत महंगी हो गई, लेकिन भारत में इतनी ज्यादा महंगाई नहीं हुई, मतलब भारत ने स्थिति को संभाले रखा। हमारे देश के रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने बहुत ही अच्छा काम किया और उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में बड़ी भूमिका निभाई। यही वजह है कि भारत को A+ रैंकिंग मिली। वहीं भारत के साथ ही साथ डेनमार्क और स्विट्जरलैंड को भी A+ मिला है। वहीं A- रेटिंग वाले देशों में कंबोडिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, स्वीडन और अमेरिका जैसे बड़े देश शामिल हैं। और भारत की इस उपलब्धि के बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये इटली और वियतनाम से जुड़ी हुई है जिसने भारत का काम बखूबी कर दिया है। दरअसल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हाल ही में चाइना को एक बड़ा झटका दिया है जहां उन्होंने अपने देश को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकाल दिया है। ये फैसला चीन के लिए एक बड़ा झटका था और इस घोषणा के बाद से कयास ये लगाए जा रहे थे कि ये फैसला भारत की कूटनीतिक दबाव के कारण हुआ है, क्योंकि मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच उस समय अच्छे संबंध दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मेलोनी ने हाल ही में चीन का दौरा क्यों किया और क्यों चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी उनका जोरदार स्वागत किया और इसका जवाब व्यापार और आर्थिक लाभ में छुपा है। दरअसल इटली की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और चीन की भी कुछ ऐसी ही हालत है, लेकिन ये सब होना भारत को बड़ी टेंशन दे गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इटली ने सिर्फ अपना फायदा देखना चाहा और चीन को इससे कोई लाभ नहीं होता हुआ दिखाई दिया। दरअसल यहाँ इटली अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश में था, ना कि चीन को यूरोप के लिए एक नया रास्ता बनाकर देना। देखा जाए तो ये भारत के लिए अच्छा रहा। वहीं वियतनाम से भी एक खबर है जहाँ वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुनते ही टो लाम सीधे अपनी पहली यात्रा पर चीन चले गए और भारत को ऐसा लगा कि ये मामला भारत के हाथों से निकल चुका है। लेकिन अभी वियतनाम से एक ऐसी अपडेट सामने आई है जो भारत के लिए तो किसी पॉजिटिव डेवलपमेंट से कम नहीं है। दरअसल वियतनाम में भारत की ONGC विदेश का ऑयल ऑफशोर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। अब चीन से वियतनाम की नजदीकियां बढ़ता देख भारत को ये लग रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा, क्योंकि चीन भी इस तेल के कुएं पर काफी समय से नजर गड़ाए बैठा था। लेकिन वियतनाम ने सबको ही चौंका दिया। दरअसल भारत की एक बड़ी कंपनी यानी कि ONGC विदेश ने वियतनाम में समुद्र के अंदर तेल और गैस निकालने के लिए समय मांगा था और उसे वो समय मिल भी गया है। इससे भारत को कई सालों तक अपना तेल और गैस मिलता रहेगा और ये भारत के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि इससे देश का पैसा भी बचेगा और हमें दूसरे देशों पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। और ये क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई देश इस पर अपना दावा करते हैं और भारत भी यहाँ अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाह रहा है। और भारत का ये कॉन्ट्रैक्ट 2039 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, मतलब ये भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत है जो चीन तो पचा नहीं सकेगा। वहीं भारत की इस नई जीत के बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा।